ओके तो कैसे आज की इस न्यू वीडियो के अंदर ना कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करने के लिए सिखाने वाला हूँ लाइट रूम के हेल्प से। एंड कैसे आप देख ही सकते हो सीवी एडिटिंग जैसा एडिटिंग करने के लिए सिखाने वाला हूँ लाइट रूम के हेल्प से। एंड कैसे कोई भी नहीं बताता कुछ इस टाइप से लाइट रूम से एडिटिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो आप भी कुछ इस टाइप से एडिटिंग करने के लिए सीख जाओगे। सिर्फ कैसे वीडियो को शूट लेके लास्ट तक वॉच कर लेना। और कैसे वीडियो पसंद आए तो कैसे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो कैसे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस सबसे पहले लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेना है कुछ इस टाइप से, ओके। एंड ओपन करने के बाद फोटो को इंपोर्ट कर लेना है। जिस भी फोटो को एडिट करना चाहोगे तो यहाँ पे क्लिक करना होगा प्लस के साइन पे, ठीक है ना। और गाइस फोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंपली गाइस हम ये वाली फ़ोटो को यूज कर लेते हैं, देख सकते हो। एंड ऐड पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑल फोटोज़ पर, ओके। एंड इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर इम्पोर्ट हो गया है, ठीक है ना। तो गाइस इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइस ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ओके। तो गाइस सबसे पहले ना कलर को एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना गाइस। तो गाइस नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कलर का ऑप्शन है, कलर पे क्लिक करेंगे। और गाइस इसका जो वाइब्रेंस है ना इसको गाइस प्लस की तरफ इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, इतना, ठीक है। एंड इसका जो सैचुरेशन है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे इसको, इतना, ठीक है। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे जाएंगे मिक्स टूल पे जो कि ये रहा, ओके। एंड इसके बाद सेकंड कलर को चूज़ करेंगे जो कि गाइस ऑरेंज कलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और इसका जो सैचुरेशन है इसको माइनस की तरफ कर देंगे, ठीक है, इसको इतना कर देते हैं। एंड इसके बाद इसका जो लुमिनस है इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है गाइस, इसको इतना कर देते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट कलर को यूज करेंगे जो कि गाइस येलो कलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका जो यू है ना इसको गाइस -100 कर देना है, ठीक है ना। और इसका जो सैचुरेशन है ना इसको भी कर देना प्लस की तरफ इंक्रीज, इसको इतना रख देते हैं। एंड इसके बाद लुमिनस को गाइस इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, इतना, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट कलर को यूज करेंगे जो कि गाइस ग्रीन कलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद इसका जो यू है इसको करेंगे -100 और इसका जो सैचुरेशन है इसको भी करेंगे -100 और इसका जो लुमिनस को माइनस कर इंक्रीज करेंगे इसको रख देते हैं इतना, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट कलर को यूज करेंगे जो कि गाइस सियान कलर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। एंड इसका जो यू है इसको करेंगे -100 और इसका जो सैचुरेशन है इसको भी करेंगे -100। एंड इसके बाद इसका जो लुमिनस इसको माइनस की तरफ करेंगे इतना, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट कलर को यूज करेंगे जो कि गाइस ब्लू कलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड इसका जो यू है इसको करेंगे -100 एंड इसका जो सैचुरेशन है ना इसको करेंगे -100 एंड इसका जो लुमिनस उसको भी करेंगे माइनस की तरफ, ठीक है, इसको इतना रख देते हैं। एंड इसके बाद इसको कर देंगे यहाँ पे डन। एंड डन करने के बाद देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस अभी हमारी एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे शेयर के आइकन पे और यहाँ पे सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद इसको ओके कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे बैक चले जाना है, बैक इस फोटो को ना डिलीट कर देना है, क्लिक करते जाना है। और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके। एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे। एंड गाइस डिलीट हो जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस के आइकन पे और जो अभी सेव किया था उसको इंपोर्ट कर लेना है, ओके। एंड गाइस यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। एंड गाइस फोटो को क्लिक कर देते हैं। एंड गाइस फोटो को ओपन करने के बाद अगेन फिर से जाना है यहाँ पे कलर के ऑप्शन पे, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे जाना है मिक्स टूल पे जो कि ये रहा। एंड गाइस सेकंड कलर को यूज करना है जो कि गाइस ऑरेंज कलर, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और इसका जो सैचुरेशन है इसको माइनस की तरफ कर देना है, ठीक है, इसको इतना कर देते हैं। और इसका जो लुमिनस को भी इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। एंड गाइस नेक्स्ट कलर को यूज करेंगे जो कि गाइस येलो कलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस इसका जो यू है इसको माइनस की तरफ कर देंगे, ठीक है, 100। एंड इसका जो सैचुरेशन इसको गाइस इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस इसको इतना रख देते हैं, इतना, ठीक है। एंड इसके बाद इसका जो लुमिनस इसको गाइस माइनस की तरफ कर देंगे थोड़ा सा, इतना, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट कलर को यूज करेंगे जो कि गाइस ग्रीन कलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस इसका जो यू है इसको -100 करेंगे। एंड इसका जो सैचुरेशन है इसको भी -100 कर देते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट कलर को यूज करेंगे जो कि सियान कलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड इसका जो यू है इसको करेंगे -100। एंड इसका जो सैचुरेशन इसको भी करेंगे -100। एंड इसका जो लुमिनस इसको गाइस इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, इतना, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट कलर को यूज करेंगे जो कि ब्लू कलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद इसका जो यू है इसको करेंगे -100। एंड इसका जो सैचुरेशन है इसको भी करेंगे -100। एंड गाइस इसका जो लुमिनस है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे कर देंगे इसको डन।
डन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप इफेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका जो टेक्स्ट टूल है इसको इंक्रीज कर देंगे, इसको इतना रख देते हैं एंड इसका जो क्वालिटी है ना इसको भी इंक्रीज कर देते हैं, इसको इतना, ठीक है। एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसका जो विवनेट है इसको भी माइनस की तरफ कर देंगे गाइस, इसको इतना कर देते हैं, ठीक है ना। एंड इसके बाद गाइस नीचे स्क्रॉल करना है और मिड पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं इतना, ठीक है। एंड इसका जो फेडर है इसको भी इंक्रीज कर देते हैं इतना। एंड गाइस देख सकते हो हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी हार्ड एडिटिंग गाइस, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है ना। सो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। एंड गाइस इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे शेयर के आइकन पे और यहाँ पे सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे। एंड गाइस ये सेव हो गया है एंड इसको ओके कर देंगे। एंड गाइस देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।